नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शिबिन। प्रिविलेज कार्ड एक ऐसा चीज़ है दोस्तों, कस्टमर को अपने हाथ में पकड़ के रखिए। देखो, मैंने कुछ प्रिविलेज कार्ड इधर प्रिंट करके लेके आए, कुछ कस्टमर ने हमसे बनवाया था, ये हमने बना के दिया था ये प्रिविलेज कार्ड। एक्चुअली देखिए सब, और ये जो देखिए, ये कस्टमर ने एक्चुअली डिजाइन करके दिया था, हमने इधर प्रिंट करके दिया हुआ है। और आप इसमें ये जो हमने डिजाइन करके दिया था कस्टमर के लिए, ये दो अलग अलग कस्टमर है दोनों, ठीक है जी। उनका लोगो वगैरह इधर रख देती है, और प्रिविलेज कार्ड जो भी डिज़ाइन वगैरह चाहिए, हमारा वेबसाइट में बहुत सारा डिज़ाइन रखा हुआ है। इसमें मेन थिंग क्या है ना, जैसा हर एक कार्ड का पीछे जो कार्ड नंबर होती है, हर एक कार्ड नंबर अलग अलग होती है, ये जो बार कोड जो नंबर होती है ना, इसमें से सारे मतलब है। और ये जो प्रिविलेज कार्ड में एक फ़ायदा क्या होती है, समझ लीजिए, आपने प्रिविलेज कार्ड किसी कस्टमर को दिया, हाँ हो सकता है इसको 20-25 रुपये खर्चा हो रहा है आपको, लेकिन एक कस्टमर आपसे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि उनका मोबाइल में SMS पहुंचाती है, आपको इतना प्रिविलेज पॉइंट्स आया हुआ है, आप इसको रिडीम कर सकता है। समझ लीजिए, आपने यहाँ रेस्टोरेंट चलाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपना जो भी रिटेल बिजनेस चलाती है, समझ लीजिए आपका ग्रोसरी है यानी गारमेंट्स का है, तो इस सब चीज़ में क्या होता है ना, अपना पॉइंट्स अवेलेबल है, हमारा डिस्काउंट मनी वो जो दुकान में है, तो कस्टमर ज़रूर उसके सबकॉन्शियस माइंड है ना, वहाँ फोकस करेंगे उसको। हमारा जो मेरा जो पर्सनल एक मेरा एक फ्रेंड है, उसका भी एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, प्रिविलेज कार्ड उसको बिजनेस में इतना ड्रास्टिक चेंजेस किया हुआ है। और प्रिविलेज कार्ड के अलावा रेनडेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में प्रिविलेज कार्ड आप चला सकते हैं, उसके साथ साथ आपने SMS भी चला सकता है, यानी कस्टमर का मोबाइल पे SMS चला जाएंगे, और जो SMS में जो मैटर आपको लिखे जाना है वो आपने खुद डिसाइड कर सकता है। तो ये सारे चीज़ मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, प्रिविलेज कार्ड कैसे ऐड करना है, कस्टमर को नया कार्ड कैसे देना है, और किस तरीके से SMS चलाना है, और SMS किस तरीके से एडिटिंग कर सकता है जो डिफॉल्ट SMS जाती है, ये 2%। और प्रिविलेज कार्ड को परसेंटेज, यानी फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ किसी कस्टमर को मतलब सेल कर रहे हैं, उसको कितना प्रिविलेज पॉइंट्स जाना चाहिए, और कितना अमाउंट उसका डिस्काउंट होना चाहिए, और डिस्काउंट सबसे लास्ट कैसे रिडीम करता है, ये 8% इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो में पूरा देख ही रही है दोस्तों। और प्रिविलेज कार्ड किस तरीके से रेनडेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में यूज़ करती है, और उसमें से आपका सेल किस तरीके से बढ़ा सकता है, ये मैं आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में दिखा देता हूँ, वेरी सिंपल वे में आपको प्रिविलेज कार्ड किस तरीके से यूज़ करना है। प्रिविलेज कार्ड एक ऐसी चीज़ है जी, अपने कस्टमर को मैग्नेट की तरह आपने आप अपने साथ में रख सकता है। देखिए, ये जो प्रिविलेज कार्ड है, ये हमारा कोई कस्टमर ने उसके लिए बनाया था, उसको जो डिज़ाइन दिया था, ये हमने इधर से बना के देती है प्रिविलेज कार्ड आपके लिए, ठीक है जी। इसका चार्ज लगता है अलग से, जितना पीस चाहिए आपको बन के मिल जाती है, लेकिन इसका जो बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, यानी 10-12 डेज चाहिए, लेकिन हम बना के देती है आपको। और रेनडेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर का होम स्क्रीन आपको इस तरीके से दिखता है। तो ये शुरू करने के पहले बोलता हूँ, जैसे प्रिविलेज कार्ड चलाता है ना जी, प्रिविलेज कार्ड लेने के साथ साथ आप SMS का पैकेज भी ले लीजिएगा। जैसे SMS का पैकेज आपको, वो भी प्राइस में बताता हूँ आपको एंड ऑफ द वीडियो में, SMS का पैकेज कैसा लेना है उसका प्राइस भी बताता हूँ। चलो हम अपना मतलब स्क्रीन में लेके चलता हूँ आपको। इसमें देखो, सबसे इधर लेफ्ट साइड में आपको सेल बोल के एक बटन मिलता है, सेल बोल के, ठीक है जी। इसमें से फॉर एग्जाम्पल एक नया कस्टमर आया आपके पास, बिल्कुल नया कस्टमर, वो कस्टमर का मोबाइल नंबर आप सबसे ऊपर एंट्री कर दीजिएगा। देखिए इधर देखो, एंट्री करने के लिए जगह दिख रहा है ना आपको, मैं थोड़ा सा मेरा ये चालू करता हूँ, रुकिए, अपना जो मैंने अपना जो स्क्रीन हाईलाइट करने के लिए ऑप्शन है वो चालू कर दी, ठीक है। अच्छा, देखिए सेल पैनल में जाइए, और देखो इधर सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना जी, देखिए ये जो जगह पे जो कस्टमर ना है, बिल्कुल नया कस्टमर आपके पास आके खड़ा हो गया, उन्होंने कुछ सामान ले रहे हैं आपसे, आपको बहुत पसंद कस्टमर है, ओके वेरी गुड, तो उनका मोबाइल नंबर पूछिएगा, वेरी आराम से पूछिएगा उसका मोबाइल नंबर, 75 एग्जाम्पल के तौर मैं इधर एंट्री करता हूँ, 75610 73 110, एंटर कर दिया, तो आपने सीधा उसको एंटर मार दीजिए, अपने कीबोर्ड के बटन में एंटर मार दीजिए, तो उसके नहीं पूछेगा, हाँ जी नमस्ते जी, आपका नाम क्या बताइए, तो बोलेगा सुमेश, एग्जाम्पल के तौर सुमेश करके नाम डाल दिए, ये किसी के नाम नहीं है जी, मैंने ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, SUMESH कैपिटल में डालो, मैंने डाल दिया क्योंकि आपको थोड़ा दिखाई देती है। और उसका ठीक लेफ्ट साइड में उसका आपका जो भी स्टेट या उसका जो भी स्टेट इधर पूछ सकता है वो लिख सकता है केरला। और यहाँ देखो उसका बीच में आपको और एक चीज़ दिखता है, कार्ड नंबर, प्रिविलेज कार्ड का नंबर, तो आपने एक नया कार्ड उठा के उसको इश्यू कर दिया, कोई भी कार्ड ले लो, ये वाला ले लो, काला वाला ले लो, ये वाला ले लो, कोई भी, मतलब आपको आपके लिए जो कार्ड बना हुआ है
उसमें से कोई भी एक उठा लेना, बिल्कुल नया कार्ड। तो मात्र क्या करिए, आप यहां माउस रखिए, देखिए, और इसको अपना स्कैनर है ना जी गन, इसको उठा कर ले, और इसके पीछे एक बार कोड होती है, देखिए इसको स्कैन करिए तो नंबर उधर चिप जाती है। देखो ये कार्ड में अलग से रखता हूँ, ये कार्ड में अलग से रखा क्योंकि ये सबसे मिसिंग हो गए तो आपको पता नहीं चलेंगे। आप सीधा इसको बिल्कुल ठीक सेव कर दीजिए सक्सेसफुली। इसका मोबाइल नंबर और कार्ड नंबर सेव हो गया अपने कंप्यूटर में। इसका नाम है समझ लीजिए सुमेश। कोई भी एक प्रोडक्ट उठा के सेल कर दीजिए, आपने माउस सेल कर रहा हूँ उसको, आर्ट टू कार्ड। अच्छा ये तो सेव कर दिया, उसके पहले मैंने और एक सेटिंग दिखाना है आपको। प्रिविलेज कार्ड कितना परसेंटेज देना है कस्टमर को, ये आपको सेटिंग करना पड़ेगा, दिखाता हूँ आपको। मास्टर एंट्री में जाइए, कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाइए, तो यहाँ देखिए आपको इधर एक देखिए कंपनी के सारे डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाती है। तो इधर देखो परसेंटेज बोल के एक चीज़ दिखता है आपको, ये क्या चीज़ है, ये परसेंटेज में आपने समझ लीजिए यहाँ वन डाल दिया, नंबर वन डाल दिया, तो 100% उसको मिल जाती है। समझ लीजिए आप उन्होंने 1000 रुपीज का परचेज कर रहे हैं तो 1000 पॉइंट्स मिलेगा उसको, उसका 10% उसका कैश है, यानी 100 रुपीज कैश है। समझ लीजिए आपने यहाँ 0.5 डाल दिया, समझ लीजिए इधर 0.5 डालती है, 0.5 देखो 0.5 डाल दिया मैंने, 0.5 डालता हूँ, चाहिए तो आपको दिखाई देती है प्रॉपर। देखिए इधर देख रहे हैं ना आपको 0.5 डाल दिया मैंने, देखिए 0.5 डालने से क्या होता है, उसको 1000 रुपये का जब भी खरीदता है माल तो उनको 500 पॉइंट मिलता है, 500 पॉइंट का 10% है ना, 10% है तो वो मतलब 50 रुपीज मिलती है, ठीक है, इस तरीके से मिलती है। तो ये जो है तो आपको इस तरीके से उसका समाधान मिल जाती है। और आप इसको देखो 0.25 डालते हैं, 0.25 डालती है तो उनको 1000 रुपये का जब भी परचेस करता है उनको 250 पॉइंट मिलता है, और उनको क्या नाम है 25 रुपीज डिस्काउंट मिलता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से है, तो मैं आपको और दिखा देता हूँ, मैंने मतलब वन नहीं डाल देता हूँ आपको वन, क्योंकि आपको हिसाब समझ में आती है, इस समझ में आ जाएगा, मतलब सीधी सी समझ में आ जाती है, इसलिए करके मैंने वन डाल दिया, यानी 1000 रुपये का जो लेता है 1000 पॉइंट्स मिलेगा उसको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, उस तरीके से मैंने डाल दिया अभी फिलहाल के लिए, ठीक है जी। अभी हमने वो जो कस्टमर को सेल कर देंगे, और सेल करने का टाइम क्या SMS आती है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको वेरी सिंपल समय में। आप सीधा जाके सेल बटन में क्लिक करिए और वो जो कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ डालिएगा, जो भी मोबाइल नंबर सीधा सीधा उस कस्टमर को पूछिए आपका नंबर क्या है, इवन सेल करते वक्त भी आपको पूछ सकता है। तो उन्होंने नंबर बोल दिया 7560 7560, देखो वो ड्रॉप डाउन में आ जाती है, आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से, देखिए तो सुरेश करके जो नाम आ गया उसके सब कुछ आ गया जी, ठीक है जी। और अगर समझ लीजिए कस्टमर प्रिविलेज कार्ड लेके आए, थोड़ा उसको नंबर नहीं डालना है, सीधा उन्होंने प्रिविलेज कार्ड लेके आया उनका, तो वो कार्ड इधर से स्कैन करने से भी उसका जो नंबर यहाँ आ जाती है, देखिए सुरेश करके जो आ गया ना जी, देखिए देखिए आ गया ना, तो इस तरीके से कार्ड स्कैन करने से उसका जो नाम वगैरह सब कुछ ले लेती है। तो समझ लीजिए कुछ प्रोडक्ट्स उनको सेल करते हैं हमने, देखिए ये देखो ये दो एक दो प्रोडक्ट उन्होंने डाल दिया, 594 रुपीज़ का है, समझ लीजिए उन्होंने 1000 रुपीज़ यानी सेम प्राइस दिया था, 594 रुपीज़ उन्होंने दिया हमको, और सेव एंड प्रिंट कर दिया। सेव एंड प्रिंट करने से क्या होंगे, तो उनका मोबाइल पे एक SMS भी पहुँच जाएंगे, देखिए तो SMS जो इस तरीके से आया कुछ फालतू SMS आया हुआ है, तो ये प्रॉपर तरीके से SMS आया नहीं है, वो भी मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको खुद रेंडर POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में सेट करना है। आप इसको छोड़िए, दूसरा SMS क्या आएगा आप देखिएगा, आप स्क्रीन में देखिए थोड़ा, अभी देखो दोबारा समझ लीजिए वो जो कस्टमर वो सामान 300 समथिंग रुपीज़ का सामान लेके गया, तो एक हफ्ते के बाद दो हफ्ते के बाद उन्होंने दोबारा आया, तो आप सेम अपना जो रेंडेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर का सेल पैनल लेकर के बार कोड में रखे, तो बार कोड में माउस है ना जी, देखो माउस का ये लगा करके आपने सीधा इसको स्कैन कीजिए, देखो स्कैन करने से फिर सुमेश बोल के नाम आया हुआ है, ठीक है ना, आप एंटर मारिए इसको, देखो यहां देखिए 594 पॉइंट्स प्रिविलेज बैलेंस आया हुआ, देखिए 594 यानी लास्ट टाइम उनको 594 रुपीज प्रिविलेज बैलेंस मिला है। तो अभी और उन्होंने और कुछ सामान लेती हो उसको दोबारा SMS जाती है, तो ये SMS का थोड़ा सा मैं दिखाएंगे फिर वापस आएंगे इसमें प्रिविलेज में, ये आपको देखना जरूरी है दोस्तों। मास्टर एंट्री में SMS सेटिंग्स में जाइए, इसमें देखो SMS का कोई इस तरीके से डाला था, ये मतलब
आपको पसंद नहीं है, छोड़ो उसको, डिलीट कर दीजिए। तो एक नया SMS का समाधान आप इसमें बनाइए। कैसे लिखेंगे? हाय करके लिखा, देखिए हाय 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 करके लिखा और स्पेस डालिए, और आपने देखो कस्टमर नेम इधर टिक कर सकता है, कस्टमर नेम फिर स्पेस डालिए, थैंक्स फॉर विजिटिंग, अपना कंपनी का नाम टिक करो, वो कंपनी का कोड उधर आया, ठीक है, थैंक्स फॉर विजिटिंग, और योर INVOIC इनवॉइस नंबर इधर टिक करिए, वो भी आ जाएगा, और इधर स्पेस डालिए, और टोटल अमाउंट इज ये इधर टिक करिए, वो भी आ गया, और योर लॉयल्टी LOYALTY यानी प्रिविलेज पॉइंट्स करके आपने इसको टिक करिए, तो प्रिविलेज पॉइंट का कोड उधर आ गया, तो टोटल बैलेंस कितना है वो भी डाल सकते हैं, थैंक्स फॉर विजिटिंग, आप ऊपर भी लिखा है थैंक्स, तो नीचे भी लिखने की जरूरत नहीं, थैंक्स फॉर विजिटिंग, विजिट अगेन, जो लिखना आप लिख लीजिएगा उसको, सेट डिफॉल्ट करिए और उसको सीधा सेव करिए, सक्सेसफुली सेव कर दिया। अभी हम दोबारा उसको सेल जो करते हैं तो क्या होंगे आप देखिएगा, आप सेल पैनल में जाइए, उसको प्रिविलेज कार्ड उधर स्कैन कीजिए, और देखो उसका 594 पॉइंट्स अभी करंटली अवेलेबल है, देखिए 594 पॉइंट्स है, और कुछ प्रोडक्ट्स उनको उठा के सेल कर दीजिए, देखिए, और इसको करंट प्रिविलेज पॉइंट्स वहाँ आ जाती है, ठीक है, मैंने उतना तक SMS में डाला था, ऐड टू कार्ट, और 779 रुपीज़ का, देखो उधर समझ ले 779 ही उसने दिया है एग्जैक्ट अमाउंट, सेवा निवृंड कर दीजिए और यस करिए। अभी SMS में क्या आते देखिएगा, आपने SMS में इधर खोलता हूँ, SMS इधर दोबारा आना चाहिए, अब ये जो है ना SMS इस तरीके से है, देखिए हाई सुमेश थैंक्स फॉर विजिटिंग रेंडक, मतलब अपने कंपनी का नाम आ गया, यूर आप खुद का कंपनी का नाम आ जाएंगे, इनवॉइस नंबर इज और टोटल अमाउंट 779, यूर लॉयल्टी पॉइंट इज 779 थैंक्स, और आपका टोटल लॉयल्टी पॉइंट भी डालने के लिए मैं समाधान दिखा देता हूँ आपको, आप इधर देखिए, अपना मास्टर एंट्री में जाइए, SMS सेटिंग्स में जाइए, आप शायद मेरे ख्याल से इसमें से डिलीट करके फिर ऐड करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, वो ऐड करने से आपको इधर टोटल लॉयल्टी पॉइंट जो है ना ये भी एनेबल करने से वो मतलब अपडेट हो जाएंगे, ठीक है जी, मतलब पूरा निकाल के दोबारा डालना पड़ेगा आपने, ताकि वो भी आपको मतलब टोटल कितना लॉयल्टी पॉइंट है वो भी SMS में चला जाती है। तो अभी जो मैंने दिखाना चाहता हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल जो से कस्टमर जो है ना जी दोबारा आया हुआ उसके पास और आया आपके पास, तो आपने देखो बारकोड में स्कैन करती है, जो बारकोड ये जो उठा के स्कैन करती है, तो आपको तुरंत पता चलेगा जी दोस्तों कितना उसका टोटल लॉयल्टी पॉइंट मतलब बना हुआ है। तो अभी करंटली उन्होंने कुछ रिडीम करना चाहते हैं, तो कैसे रिडीम करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी जो कुछ प्रोडक्ट्स उन्होंने और ख़रीद रहे हैं ना, लॉयल्टी पॉइंट किस तरीके से रिडीम करते हैं मैंने वो भी दिखा दे रहा हूँ, तो 460 रुपीज़ का टोटल उसका अमाउंट आया, तो उनको देखो 1373 पॉइंट्स है, तो फॉर एग्जांपल उनको 1000 पॉइंट्स उसको रिडीम करके दें, तो कैसे रिडीम करेंगे, इधर देखो लॉयल्टी पॉइंट्स बोल के एक जगह आपको दिखाई देती है, देखिए इधर आप यहाँ जाकर के 1000 पॉइंट्स लिखिए, तो ऑटोमेटिकली 100 रुपीज़ उधर माइनस हो गया ना, ये देखो 460 है टोटल, आपको सबसे ऊपर दिखाई देते हैं 460, तो 100 रुपीज़ माइनस करके 360 हो गया, मतलब उन्होंने मात्र 360 रुपीज़ पेमेंट करने से उसको सेवा निप्रिंट करने से बिल हो जाएंगे, तो उनका 1000 पॉइंट्स माइनस हो गया ना जी। अभी दोबारा जब ये स्कैन करेंगे, फॉर एग्जांपल प्रिविलेज कार्ड को स्कैन करेंगे, न्यू क्लिक करके स्कैन कीजिए, अपने इसको स्कैन करेंगे, तो अभी अभी देखो मात्र 883 पॉइंट्स आया हुआ जी, मतलब करंटली जो सेल हुआ वो भी जुड़ गया, प्लस वो पिछले वाला 1000 माइनस हो गया, तो आपको समझ में आएगा ना उसके हिसाब, इस तरीके से एकदम प्रॉपर तरीके से अपने प्रिविलेज कार्ड चला सकता है जी अपने कस्टमर के साथ, और जो भी प्रिविलेज कार्ड बनाना है और आपको हमने बना के देती है, प्रिविलेज कार्ड एक एडवांटेज क्या है, प्रिविलेज कार्ड जैसा आपने कस्टमर को देती है तो कस्टमर कभी आपको छोड़ के जाएगा नहीं, वो डिस्काउंट वगैरह ना जो परसेंटेज वगैरह उसका SMS चलता रहता है उसका मोबाइल पे, तो ये सब देख रखें, देखो दोबारा भी SMS आया ना जी उसको, देखिए ये जो SMS वाला दिखाइए जो लास्ट टाइम हमने जो सेल किया था वो भी SMS आया हुआ है,
तो इस तरीके से इंस्टेंट SMS भी मिल जाती है कस्टमर को, ताकि कस्टमर भी अपना जो बिजनेस में एकदम प्रोफेशनल फील कर देती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।